मॉर्निंग गाइस, चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एमसीक्यू। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड मंकीज रिटन एज XDGMNL, हाउ इज टाइगर रिटन इन द डेट कोड। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, पहले आपको पूरी एबीसीडी लिख देनी है कंप्लीट। एबीसीडी को आप कंप्लीट लिख लें तो उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी किसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में। MNOPQRSTUVWXYZ, ये अपने पास जो रफ पेपर दिया होता है उस रफ पेपर पे ABCD पहले आप A से Z लिख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 100% आता है। अब देखिए मंकी को इन्होंने क्या लिखा है, XD, तो देखो उल्टा स्टार्ट किया, देखो ये Y है, Y से स्टार्ट किया है तो Y उल्टा और उसका पहला लेटर लिया है, जैसे Y का इन्होंने लिखा है X, E का इन्होंने लिखा है D, ठीक है, K का इन्होंने लिखा है पहला लेटर लिखा है J, है ना, N का इन्होंने लिखा है M पहला लेटर, उससे पहले वाला, तो इसमें भी इसको उल्टा कर दो। अब टाइगर का उल्टा होगा राइट, अब R का पहला लेटर कौन सा होगा, R का पहला लेटर Q है, अब Q किसके अंदर आ रहा है पहला, इसके अंदर D के अंदर आ रहा है, तो हमारा आंसर वैसे ही सही हो गया कि दैट इज योर D इज द राइट आंसर राइट। लेकिन अब देखो दूसरा अक्षर कौन सा है, ई का पहला लेटर कौन सा है, D, मैच कर लेते अपन, तो क्यू के बाद DR है, ठीक है, जी का पहला लेटर कौन सा है, एफ आर है, आई का पहला लेटर कौन सा है, H, और उसके बाद R का पहला लेटर S, तो इस तरीके से आपका ये आ गया सही आंसर QDFHS, दैट इज करेक्ट राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर दे टू नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। अब इसमें ये पूछा है कि जैसे ये रिलेशन में है 12 और 42, 12 और 42 का रिलेशन निकालें, तो देखो क्या रिलेशन निकलता है, तो देखो 12 + 36, 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 36, और 36 में पीछे का 6 लेटर जोड़ देते हैं तो 42। अब उसको अपन देख लेते हैं कि उसमें आपका कैस किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो आगे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, 15 × 52, 15 × 45, 15 × 3, 45, और 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, मतलब ये गलत हो गया। 24 × 3, ये 72 में 2 जोड़ोगे 74 आएगा, गलत हो गया। 8 + 24, 8 × 3, 24, 24 में जो 4 जोड़ोगे तो 20 आ गया, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया राइट। और 16 + 48 में अगर 8 जोड़ोगे तो 56 हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Each of the following question find the odd number, letter, word from the given alternative. अब इनमें से कौन सा odd word है find out करना है। A 162, B 405, C 567, D 644। अब देखो इसके अंदर 6 + 2 8, 8 + 1 9, इसका टोटल हुआ 9। अब 9 इसका मतलब इसमें 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 का भाग इसके अंदर जाएगा। 405 ये भी 9, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 5, 6, 7, 5 और 6, 12, 13, 13 और 5, 18, 18 में 3 को डिवाइड करेंगे तो ये भी जाएगा। 6, 4, 4, 4, 4, 8 और 6, 14, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो दिस ऑल आर द मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये तीनों के तीनों क्या है, 3 के मल्टीप्लाई, बट डी जो है वो 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो आपका ऑड वर्ड कौन सा हुआ, दैट इज योर डी। चलो नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस विच दे अकर इन द डिक्शनरी। अब आप डिक्शनरी में इनको अरेंज करना है, कौन सा लेटर डिक्शनरी में पहला आएगा और कौन सा उसमें बाद में आएगा, ये भी एम्स में पूछा गया एक बार, ट्रेडमिल, ट्रीजर, ट्रिकरस और ट्रेड, तो TRE A, ये चार तो सेम है राइट। अब अपने को फाइंड आउट करना है ये फिफ्थ लेटर, डी एस सी और डी, तो सबसे पहले तो सी वाला आएगा राइट, सी वाला मतलब थर्ड, अब सी के बाद डी वाला आएगा। डी में दो ऑप्शन है, एक तो ट्रेड और एक ट्रेडमिल, तो अकेला डी ही लास्ट है तो ये आएगा उसके बाद,
तो उसके बाद आपका थर्ड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद अब बचे दो, फर्स्ट और सेकंड। उसमें भी पहले फर्स्ट और फिर आपका सेकंड। तो ये आपका राइट आंसर इज योर सी, 3, 4, फर्स्ट और सेकंड। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। अब मदर्स ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर, अब देखो मेरी सिस्टर है, उसने कहा माई मदर। कभी भी ब्लड रिलेशन वाले को आपको माई मदर्स ब्रदर, मदर का ब्रदर कौन हुआ, मामा। ही इज द सन ऑफ माई, ही इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई मदर्स ब्रदर। अब मदर्स का ब्रदर, मामा और मामा की बहन मतलब मौसी, तो मौसी का लड़का। और मौसी का लड़का क्या हुआ, मौसी का लड़का हमारा क्या हुआ, कजिन हुआ, राइट। तो इसका क्या आंसर होगा, कजिन। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन को कभी भी लेना हो तो अपने ऊपर लेना, और अपने ऊपर लोगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अपने आप को मान लेना, अपनी फैमिली से मान लेना, और ऐसे करोगे तो क्वेश्चन इजी। और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, एम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है ब्लड रिलेशन, और आएगा आएगा, एक से दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के फिक्स है। चलो नेक्स्ट, चलो इसका जवाब भी दें आप कमेंट बॉक्स के अंदर। ए एंड बी इज सिस्टर। अब देखो ए इज बी सिस्टर, ए और बी दोनों सिस्टर हो गई। सी इज बीज मदर, ये इसकी मदर हो गई। डी इज सीज फादर, ये डी इसके फादर हो गए, ये फादर सी बी की मदर होगी। ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर, डीज मदर, राइट। तो देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, तो ये क्या हुआ, इसकी मदर और ये इसके फादर। डी सी के फादर हैं, ठीक है, डी सी इज फादर, ये इसके फादर हो गए, और बी की मदर सी है, तो ये क्या हो गया, इसकी डॉटर, ये इसकी डॉटर, तो ये हो गया आपकी ग्रांड डॉटर, राइट। तो ए इज रिलेटेड, ये इसकी ग्रांड डॉटर, तो ये भी क्या हुई, ग्रांड डॉटर ही, दोनों सिस्टर हैं, तो बी ग्रांड डॉटर हुई, तो ए भी क्या हुई, ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या है, ए इज द ग्रांड डॉटर ऑफ डी, क्योंकि बी का और ए का रिलेशन सेम है। तो राइट आंसर इज योर डी। नेक्स्ट, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय एज द सन ऑफ, एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, डॉटर ऑफ द फादर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मतलब मेरे अंकल के फादर की डॉटर, तो मेरी क्या हुई, बुआ का लड़का, बुआ है ना, बुआ का लड़का। ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, तो मेरे अंकल के पापा, अंकल के पापा और मेरे पापा के पापा दोनों भाई हुए, तो ये क्या हुआ, बुआ का लड़का। तो दैट इज योर, द बॉय इज, ए गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ हर अंकल, तो एक गर्ल ने कहा कि मेरे सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, मेरे चाचा के पापा की लड़की मतलब बुआ, और बुआ का लड़का क्या हुआ, बॉय कजिन या ब्रदर। आंसर क्या होगा इसका, दैट इज योर ए, ए गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, तो बुआ का लड़का हुआ, दैट इज ब्रदर। नेक्स्ट, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो पी एंड, ये पी एंड क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, तो ये तीनों भाई हो गए, ठीक है, पी क्यू आर, ये तीनों भाई हो गए। अब आर एस इज द,
इज आर्स मदर, एस इज इसकी मदर होगी, एस एस इज आर्स मदर, टी इज पीस फादर, टी इज पीस फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड ट्रू, टी इज क्यूज फादर तो हो सकता है क्योंकि तीनों भाई हैं, एस इज पीस मदर हो सकता है क्योंकि तीनों भाई हैं, पी इज सन ऑफ टी, पी इज सन ऑफ टी, क्यू इज टी इज फादर, तो ये आपका गलत हो गया, डी इज योर रॉन्ग आंसर, डी आपका गलत जवाब हो गया, राइट गाइस, तो डी इज योर रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली देर आर सिक्स मेंबर, एक फैमिली के अंदर छह मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल हैं, इसका जवाब दे फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ये ए और बी मैरिड कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, ए इज बीइंग द मेल, ये मेल है, एंड डी इज द ओनली सन ऑफ, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ओनली सन ऑफ सी, तो ये है डी और ये सी, ये राइट. अब डी और ए दोनों ब्रदर हैं, डी इज द ओनली सन ऑफ सी एंड हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ये दोनों भाई हो गए भाई, राइट. उसके बाद ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ये ई इसकी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ये दोनों भाई बहन हो गए. बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी ये इसका हस्बैंड मर गया है, इसका हस्बैंड मर गया, हुज हस्बैंड हैज डाइड, एफ. हाउ इज रिलेटेड टू ई एंड सी, तो हो सकता है कि इसकी मृत्यु के बाद इसने इससे शादी कर ली हो, तो ये दोनों बाद में शादी की हो, तो एफ और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे हुए, तो ये क्या हो गई इसकी, ई रिलेटेड टू, ई रिलेटेड टू सी, ई क्या है, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई और सी में रिलेशन पूछा है, ई रिलेटेड टू सी, तो ई क्या हुई, ई रिलेटेड, ई इज द डॉटर ऑफ सी, क्योंकि इसका ये सन है, तो ई और सी में रिलेशन पूछा है, तो ये क्या हो गई, ई इज रिलेट, ई इज योर डॉटर ऑफ सी. इन रिलेशंस वालों को अपने पे ही लेके निकालना. तो अब ये क्वेश्चन वीन डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये पूछे भी जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वीन डायग्राम डायरेक्टली कनेक्टेड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस कैरेट फूड वेजिटेबल्स. अब देखो जितने भी कैरेट्स हैं वो सारे के सारे वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं और जितने वेजिटेबल्स हैं वो सारे सारे फूड के अंदर आते हैं. तो इसको ऐसे देखें, ये आपके हो गए कैरेट और जितने कैरेट्स हैं वो सारे के सारे वेजिटेबल के अंदर आते हैं और जितने वेजिटेबल्स हैं वो सारे सारे फूड के अंदर आते हैं. तो आपका आंसर होगा ए, राइट. ये दोनों अलग नहीं होंगे, पार्ट नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा आपका ए. चलो, इन अ डिनर पार्टी बोथ फिश मीट वर सर्व्ड. चलो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें. इन अ डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वर सर्व्ड, सम टुक ओनली फिश एंड सम ओनली मीट, देयर वर सम वेजिटेरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर, द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ फिश एंड मीट. विच ऑफ द फॉलोइंग विन डायग्राम करेक्टली रिफ्लेक्ट्स. अब इन्होंने कहा कि एक डिनर पार्टी है, चलो एक डिनर पार्टी है, ये डिनर पार्टी होगी. अब डिनर पार्टी में क्या क्या, सम टुक ओनली फिश एंड सम ओनली मीट, कुछ ने तो केवल फिश लिया और कुछ ने मीट लिया, एंड देयर सम वेजिटेरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट आइदर, और कुछ वेजिटेरियन थे जिन्होंने, ये तो हो गए वेजिटेरियन, इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, द रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ फिश है, तो कुछ ने तो क्या लिया, ओनली फिश ली, और कुछ ने क्या लिया, ओनली मीट लिया, लेकिन ये दोनों ने लिया, कुछ ने दोनों लिया, फिश और मीट दोनों, तो कुछ ने तो ओनली मीट, ओनली फिश, एंड दीज वाला, ये वाला बीच वाला बोथ, फिश भी लिया और मीट भी लिया, और कुछ थे जिन्होंने ना तो मीट लिया ना ही फिश लिया, दे आर वेजिटेरियन. तो ये डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के अंदर कुछ ने मीट लिया, कुछ ने फिश ली, कुछ ने दोनों लिया और कुछ ने दोनों में से कुछ नहीं लिया, प्योर वेजिटेरियन थे. तो राइट आंसर इज योर अगेन ए. नेक्स्ट, इफ साउथ इज टू बिकम नॉर्थ, नॉर्थ इज टू बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम. अब देखो इस डायग्राम को ऐसे समझे, सबसे पहले तो उसको बना लें, इसको बना लें, ये देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट,
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। अब इसने क्या कहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम नॉर्थ, सॉरी क्वेश्चन देखें, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट, देखो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ साउथ हो गया। ये तो आपका नॉर्मल डायग्राम है, ये तो आपका नॉर्मल डायग्राम है, तो ये नॉर्मल डायग्राम हो गया। अब इसने क्या कहा कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, इसको नॉर्थ कर दो, इसको नॉर्थ करते ही ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपका वेस्ट। अब डायग्राम को देख लें, तो पहले इस डायग्राम, कभी भी दिशा का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है और डायग्राम बना के सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया, सारी की सारी डायरेक्शंस बना दिया आपने। अब डायरेक्शन बना के अब जो भी पूछा है आपको कि कौन सी दिशा पूछे, उस दिशा को सॉल्व कर लो। अब क्या पूछा है, अब व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या हो जाएगी, देखो तो वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या हुई, दैट इज योर, ये साउथ और ये ईस्ट, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। देखो ये हो गया, ये मैंने ये डायग्राम भी इसी को बना रखा, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये क्या होगा, वेस्ट क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है तो वेस्ट क्या हुआ, साउथ ईस्ट। बस ऐसा डायग्राम बना लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट कौन सा है, दैट इज योर सी आंसर। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, रफिक वॉकड 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर। तो इसने ये कहा है इस तरीके से, 20 मीटर गया, फिर राइट टर्न हुआ और 20 मीटर गया, देन ही अगेन राइट टर्न्ड राइट एंड देन वॉक 30 मीटर, ये 30 मीटर गया, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, इन विच डायरेक्शन, हाउ मेनी मीटर ही। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें, पहले वो 20 मीटर गया, ये डायरेक्शंस तो बनी हुई है, तो नॉर्थ में गया, ये 20 मीटर गया, फिर 30 मीटर गया राइट, फिर राइट गया 35 मीटर, और फिर वो लेफ्ट गया 15 मीटर, और फिर वो लेफ्ट गया 15 मीटर। तो ये इस तरीके से मूव किया, 20, 30, 35, तो ये जो है 30 मीटर का डिस्टेंस तो ये हो गया और 15 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया, तो टोटल उसने जो डिस्टेंस क्रॉस करी वो 45 मीटर क्रॉस करी, राइट, और वो भी किस तरफ, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है, तो आपका आंसर हुआ 45 मीटर ईस्ट, 45 मीटर ईस्ट, राइट आंसर इज योर डी, 45 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू इच अदर। सनराइज कहाँ से होता है, सन ईस्ट से राइज होता है, राइट, ईस्ट से राइज हुआ, और जब ईस्ट से सनराइज होता है तो देखो ये निहारिका वर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस डॉल्फिन क्रॉसिंग, इफ निहारिका शेडो है वॉज राइट टू राइट, अब यहां से कोई आ रहा है तो उसका राइट ये हुआ, राइट, तो इसके, क्योंकि जब ईस्ट से सनराइज होता है तो वो उसका, अगर यूं चल रहा है तो उसका शेडो कहाँ होगा, वेस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर, तो ये निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली राइट टू द निवेदिता, मतलब ये राइट है क्योंकि वेस्ट में शेडो बने, ईस्ट में सनराइज है तो वेस्ट में शेडो बनेगी, और वेस्ट में शेडो बने मतलब यहाँ इसके राइट में है, तो इसके राइट में कौन है, राइट ऑफ द निवेदिता, तो निवेदिता, ये निवेदिता, ये निवेदिता और ये निहारिका, निहारिका, तो निहारिका और निवेदिता देख ले आगे वाले डायग्राम में, तो विच डायरेक्शन निहारिका फेस्ड, तो निहारिका कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है, तो निहारिका नॉर्थ की तरफ जा रही है और निवेदिता साउथ की तरफ आ रही है, तो आंसर क्या होगा आपका इसका, नॉर्थ, देखें ये रहा निवेदिता, ये निहारी, नॉर्थ साउथ, जब ईस्ट में सनराइज हो रहा है, क्लियर, तो कोई ऐसे आ रहा सामने तो वेस्ट में आपका बनेगा, तो निहारिका शेडो निवेदिता के राइट में, तो निहारिका नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और निवेदिता साउथ
साउथ की तरफ मूव कर रही है। चलो सिस्मोग्राफी अर्थ क्या टेजियोमीटर, तो इनमें से कौन सा, तो सिस्मोग्राफी लैंडस्लाइड अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो टेजियोमीटर जो है वो आपका स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसर्शन और रीजनिंग, एसर्शन और रीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, और इनमें से एसर्शन रेलवे के अंदर भी दो क्वेश्चन आते हैं, एम्स के अंदर भी दो क्वेश्चन एसर्शन और रीजनिंग के आते ही आते हैं। तो चलो देखते हैं, एसर्शन डायमंड यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास, बिल्कुल सही है कि डायमंड ग्लास कटिंग, और बी रीजन है डायमंड हैज़ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस डायमंड हार्ड होता है इसलिए वो काटने के लिए काम आता है, बहुत टफ होता है इसलिए, बट ये इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए, ये रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। हाँ दोनों कथन, और कथन भी सत्य और कारण भी सत्य, सत्य है दोनों सत्य है, बट जो कारण है वो कथन की करेक्ट व्याख्या नहीं करता है, जो रीजन है वो एसर्शन के लिए करेक्ट नहीं है। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर, एसर्शन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हार्ड होता है इसलिए काटने का काम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इससे कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर आर फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा, यस आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, हाँ बिल्कुल सही है कि शिमला दिल्ली से कोल्डर है, शिमला इज हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली, तो ये भी सही है, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है कि क्योंकि शिमला ठंडा क्यों है, क्योंकि शिमला हायर एल्टीट्यूड है एज कम्पेयर टू दिल्ली से हायर एल्टीट्यूड पे, तो इसका आंसर क्या होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी सही सही व्याख्या कर रहा है कि हाँ शिमला दिल्ली के कंपैरिजन पे हाई एल्टीट्यूड पे, दैट्स व्हाई वो आपका चलो कोल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, एजर्शन ये है, वी प्रीफर टू वियर व्हाइट क्लोथ इन विंटर, व्हाइट क्लोथ इन विंटर, हम तो क्या पहनते हैं और कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्व हो, वी आर नॉट वियरिंग व्हाइट क्लोथ, व्हाइट क्लोथ हम कहाँ कब पहनते हैं जनरली, क्योंकि हमें क्या चाहिए एनर्जी चाहिए, और व्हाइट क्लोथ तो क्या करते हैं एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ब्लैक क्लोथ क्या करते हैं एनर्जी को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर ले लेते हैं, और सर्दी में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम कंजर्व करते हैं एनर्जी, तो सर्दी में हम ज़्यादा ब्लैक क्लोथ प्रीफर करते हैं रात, तो पहला तो गलत हो गया राइट, एजर्शन गलत है। अब दूसरी बात, व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, हाँ ये सही है कि व्हाइट क्लोथ गुड रिफ्लेक्टर है जबकि ब्लैक क्लोथ गुड एब्जॉर्बर है, तो ये सही है, तो यहां पर क्या होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ट्रू नहीं है, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो राइट आंसर क्या होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो मैंने चारों ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, एक एक चारों के दिया है, तो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the assertion क्या है, When the bus start, the person inside it falls forward. Bus start होती patient जो person है वो आगे गिर जाता है, नहीं गलत, The bus pushes the man forward. तो जब bus चालू रहती है और अगर ब्रेक मांगते हैं तो मेन को forward करती है, तो ये सही है, तो A is true but R is false, A is false but R is true. तो यहाँ पर क्या होगा, Reason true है but ये D, right? चलो next question. चलो अब है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस, ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी, तो देखो ए उसके बाद ए बी सीक्वेंस देखो, ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी और उसके बाद क्या आएगा ई, तो नेक्स्ट लेटर आपका क्या होगा ई। नेक्स्ट अब ये देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द मार्क, तो देखो L, L के बाद आया आपका L के बाद आया आपका A, तो एक लेटर छोड़ के, U, U के बाद आया आपका J, दो लेटर छोड़ के, Y, Y, तो L, U, जीरो लेटर, फिर एक लेटर छूटा Y,
वाई के बाद आपका तीन लेटर छोड़ के, पहले दो लेटर छूटे थे, एक दो तीन आई, उसके बाद वाई के बाद अब दो, पहले यहाँ जीरो, यहाँ एक, यहाँ दो, अब वाई के बाद क्या है, ई, ई कितने लेटर छूटे, दो, दो के बाद अब कितने छूटेंगे, तीन, तो अगले में तीन, ई के बाद आई ओ एन, तो अगला लेटर होगा आपका क्यू, तो आपका यहाँ पे आएगा क्यू, नेक्स्ट वाप पे आएगा क्यू। चलो एक तो क्यू आ गया, अब देखो एल के बाद ए है, तो एल का एक लेटर छोड़ के ए, यू के बाद जे है, तो अब कितने दो लेटर छूटे, ए, वाई छोड़ के जे, वाई के बाद आई है, तो वाई, वाई के बाद कितने लेटर छूटे, एक दो तीन आई, ई, ई के बाद क्या है, जी, जी के बाद कितने लेटर छूटे, एक दो तीन चार, चार लेटर छूटे जी, अब यहाँ क्यू था, क्यू के बाद कितने लेटर छूटेंगे, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एच आएगा, तो आपका आएगा आंसर डी क्यू एच। नेक्स्ट, ए ट्री ऑलवेज हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्री के अंदर हमेशा क्या होता है, शेडो होती है, शेडो रात को नहीं होती, लीव्स पतझड़ के अंदर नहीं होती, ब्रांचेज, ब्रांचेज जब पौधा बड़ा होता है तब ब्रांचेज नहीं होती, रूट, रूट ऑलवेज होती है, तो यहाँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, रूट्स ऑलवेज होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड थ्री टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट आर, तो देखो ए टू बी एंड थ्री टिकट्स, टू बस टिकट, टू एक्स प्लस थ्री टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, थ्री वाई, ठीक है, तो देखो ए टू बी और उसके बाद थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू सी, 77, तो ये तो हो गया ए टू बी और ए टू सी, तो ये हो गया 77। अब बट थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, थ्री टिकट्स फ्रॉम ए टू बी एंड टू टिकट फ्रॉम ए टू सी, टू टिकट फ्रॉम ए टू सी, इसका कॉस्ट हो गया 73। बस ये इक्वेशन बना लो, व्हाट आर द फेयर ऑफ बी एंड सी फ्रॉम ए, तो बी और सी का, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बना लेनी है, 2x प्लस 3y बराबर 77, 3x प्लस 2y बराबर 73। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि एक कट जाए, तो किसी एक में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक में 3 का कर दो, एक में 2 का कर दो, इसमें 3 का, इसमें 2 का, तो आपका बैठ जाएगा, देखो ये आ गया 2x प्लस 7, 3, 77, 3x प्लस 2y, तो क्वेश्चन इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सेकेंड इज मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 5y बराबर 85, तो y बराबर 17, तो अब उसके बाद x का पुटिंग x वी गेट x बराबर 3, तो आपको 13 और 17 आंसर मिल जाएगा, आंसर 13 एंड 17, x किसका मान, a टू b है, तो x का मान आ गया आपका, y का मान और x का मान दोनों निकाल लो, तो x 13 है, तो पहला a टू b है, तो इस फ्रॉम सिटी b एंड सिटीज b एंड c फ्रॉम a, तो a टू b, ये इसका आ गया 13 आंसर और उसका आ गया 17, तो राइट आंसर इज योर b, राइट आंसर हो गया आपका b। चलो नेक्स्ट, टुडे इज वरुण्स बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज, 1 ईयर फ्रॉम टुडे, तो आज से अगर 1 साल बाद ही वॉज 12 ईयर अगो, हाउ ओल्ड इज वरुण, टुडे इज वरुण्स बर्थडे, आज वरुण का बर्थडे, सपोज करो आज मेरा बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस, कि अगर ही विल ट्वाइस एज ओल्ड ही वॉज 12 ईयर अगो, अगर 1 साल के बाद वो 12, अपनी सी 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, तो हाउ ओल्ड इज वरुण टूडे, तो वरुण आज कितने साल का है, सपोज करो 20 रख लेते हैं, अब मैं कुछ इसको ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सपोज मैं 20 साल का हूँ, तो आज से 1 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा, 21 का, तो 21 का, तो 20 से 12 साल पहले मैं कितने साल का था, 8 साल का, यही हुआ ना, तो 8 का ये तो कितना हो गया, दुगुना तो नहीं हुआ, राइट, तो ये गलत हो गया, अब 22, 22 से मैं 1 साल का कितना हो जाऊंगा, 23, भाई 1 साल के बाद 23, 23 में 12 घटाऊँ, 22 में 12 घटाऊँगा 10, राइट,
सपोज करो आज मैं 22 साल का हूँ, 1 साल बाद 30 का हो जाऊंगा, और 12 साल पहले मैं 10 साल का था, 10 का 23, ये भी नहीं हुआ 25, 1 साल बाद मैं 26 का हो जाऊंगा, राइट। लेकिन 12 साल पहले मैं कितना का था, 25, आज से 12 साल पहले 13 साल का, तो 13 दूनी 26, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 ईयर। तो इसको आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, आज मेरी उम्र 25 साल है, 1 साल बाद मैं 26 का हो जाऊंगा, और आज से 12 साल पहले मैं 13 साल का, तो 13 दूनी 26, तो मतलब 12 साल से डूबी। तो क्वेश्चन ने भी तो यही कहा है, टू डेज वन इज बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टूडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 12 ईयर अगो। तो इसका आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, इसका एक जोड़ोगे तो 28 और इसमें 15, तो ये भी आपका नहीं बैठेगा, तो राइट आंसर इज योर सी। एक्सप्लेनेशन ऐसे, सपोज एक्स ईयर का है, 1 साल बाद एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन ट्वाइस एक्स माइनस 12, तो ये भी आपका 25 ही आएगा। 7 इज 34 एज 5 इज 2, तो 7 इज 2 34 एज 5 इज 2। तो अब इसको कैसे निकालोगे, तो 3 4 3 7 है, तो 3 और 4 का टोटल कितना हुआ, 7 है ना, एज 5। तो अब इसमें देख लो, 5 में भी 5 किसका टोटल 5 आ रहा है, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 4 9, 41 का आपका 5 4, तो आंसर क्या हुआ, ये D 4, तो राइट आंसर इज D। तो इस तरीके से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।